एवरीवन, आई एम प्रज्ञा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे साड़ी का कोई भी हॉल नहीं आया है, इसलिए आज का वीडियो है साड़ी हॉल फ्रॉम मिंत्रा। एंड आई एम वेरी श्योर कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज की जो साड़ीज़ हैं स्पेशली गर्ल्स को बहुत पसंद आएगा। सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड साड़ीज़ हैं, डिज़ाइनर साड़ीज़ हैं, लाइट वेट, थोड़ी सी डिफरेंट एंड जो तो ऐसी ग्लैमरस साड़ीज़ होती हैं, कुछ इस तरह की साड़ीज़ हैं। एंड ऑफ कोर्स इजी टू कैरी है, जैसे कि मैंने बोला लाइट वेट है, शिफॉन जॉर्जेट यही सबका मटेरियल है और मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे क्लिक करिए। साड़ी शेयर करने से पहले मैं आपसे कुछ और शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको वहाँ मेरा लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और वहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप मेरा लिंक वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पर्सनलाइज्ड पेज है, जो चीज़ें मुझे पसंद है वो यहाँ आपको रिकमेंड करेंगी। बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, आप जो चाहें परचेज़ कर सकते हैं। नीचे आपको इस तरह से और ऑप्शंस भी दिखेंगे, जो वीडियोज़ मेरी हैं वो दिखेंगी। और आप चाहें तो अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक ब्रांड सर्च करना है तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैं गुलमोहर जयपुर ब्रांड सर्च करना चाहती हूँ तो मैंने उस ब्रांड को सर्च किया और उस ब्रांड से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब ओपन हो जाएंगे। तो आपको जो भी चाहिए अगर कोई पसंद आता है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी है रिटर्न्स एंड एक्सचेंज, तो आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अलाउ क्लिक करते हैं तो आपको काफ़ी सारी अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगी, तो आप उसको अलाउ करके नोटिफिकेशंस के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत ईजी है शॉपिंग करना, तो ज़रूर शॉप करें। सबसे पहले मेरे पास ये साड़ी फ्यूशिया कलर की शिफॉन की साड़ी है फ्रॉम नंदी सिल्क मिल्स। ये इमेज में बहुत प्यारा लग रहा था, सभी साड़ी इस इमेज में बहुत प्यारी लग रही थी। ये कुछ इस तरह की आपको साड़ी मिल जाती है। ये इसके ब्लाउज़ का फैब्रिक, आपको नॉर्मल रॉ सिल्क का ब्लाउज़ मिल जाता है। अच्छा खासा लंबा चौड़ा फैब्रिक है, आराम से एक्सेल शायद डबल एक्सेल साइज़ तक के लोगों को भी आ जाए। लेकिन साड़ी की बात करें तो बहुत ही सुंदर सी इस तरह की स्ट्राइप साड़ी मिलती है। यहाँ पर आपको सिल्वर का भी थोड़ा सा इसमें टच मिलता है, बहुत सुंदर लग रहा है। फैब्रिक अमेजिंग है, सॉफ्ट है, फ्लोई है, कुछ इस तरह का लुक आता है। पूरी साड़ी आपको सेम पैटर्न में मिल जाती है एंड इसी तरह की साड़ीज़ ना बहुत अच्छी लगती है मुझे। इस तरह की जो सेम पैटर्न की साड़ीज़ होती है वो बहुत अच्छी लगती हैं। एंड देन एंड्स पे आपको ये टासल्स मिल जाते हैं, तो ये डेफ़िनेटली गर्ल्स को अगर किसी फंक्शन में जाना है, शादियों में जाना है, पार्टीज़ में, आप डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हैं। डेली वेयर के लिए कर सकते हैं, कहीं आना जाना हो तो ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर साड़ी है एंड इसके लिए मुझे लगता है मैंने 860 के अराउंड पे किया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। फैब्रिक इसका बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट मेरे पास ये डिज़ाइनर पीस फ्रॉम साड़ी मॉल, इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है। सबसे पहले तो मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा है, वाइट कलर की साड़ी मिलती है। ये जॉर्जेट का मटेरियल है। पहले ब्लाउज़ की बात करें तो आपको ये ब्लाउज़ पूरा मिल जाता है, बना बनाया। इसमें आप देखेंगे नेक वगैरह सब बना हुआ है, नेट का बेज कलर का ब्लाउज़ है, गोल्डन कलर का, एंड इस पर आपको ये पूरा सीक्वेंस से वर्क किया हुआ मिल जाता है, कुछ इस तरह का वर्क मिल जाता है। इसमें स्लीव्स के लिए भी यहाँ पे अलग से फैब्रिक मिल जाता है। ये मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज साइज़ तक के लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इसमें बना हुआ है ना, तो लार्ज साइज़ तक के लोगों को तो आ जाएगा डेफिनेटली, उसके बाद का सोचना होगा। फैब्रिक अच्छा है बट जो एम्ब्रॉयडरी वाली पार्ट है वो ज़्यादा नहीं है। साड़ी की बात करें तो जॉर्जेट का मटेरियल है, बहुत ही अच्छा वाला जॉर्जेट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस तरह से प्लेन साड़ी आपको मिलती है, एंड्स पे नीचे की तरफ ये कुछ इस तरह का बॉर्डर मिल जाता है। ये जो बॉर्डर है इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लुक बहुत सुंदर है। इसमें आपको गोल्डन कॉपर सिल्वर नहीं है, गोल्डन एंड कॉपर कलर से इस तरह से आपको ये लेस मिलता है। वेरिएशन कलर कॉम्बिनेशन एंड डिज़ाइन मुझे इसका बहुत पसंद आया है। इस तरह से वाइट साड़ी मिलती है एंड जैसे ये तो आपका प्लीट्स का एरिया हो गया, और फिर जैसे आगे बढ़ते हैं ना, कुछ कुछ प्लीट्स में नीचे की तरफ कुछ इस तरह का आपको पैटर्न मिल जाता है। ये भी पूरी एम्ब्रॉयडरी है और ये जो पैटर्न है ना, इसकी वजह से ये साड़ी परफेक्ट पार्टी वेयर है, ओकेजन वेयर है। आप इजीली शादियों में भी कैरी कर सकते हैं हैवी ब्लाउज़ के साथ। इसका ब्लाउज़ ऑलरेडी हैवी है, आप चाहे तो कुछ और भी गोल्डन ब्लाउज़ कैरी कर सकते हैं। ये पूरा जरी एंड सीक्वेंस का काम है एंड डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। फिर इस तरह से आता है, ये जो पार्ट है ये आँचल का है, जहाँ पर आपको ये पार्ट मिलता है, एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट मिलता है, ये आँचल में मिलता है। आँचल में चारों ही तरफ आपको ये गोटा भी मिल जाता है। पहनने पर ये साड़ी बहुत सुंदर लगेगी, वाइट कलर ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है। डे फंक्शंस के लिए काफ़ी अच्छा है, गर्ल्स के लिए परफेक्ट है एंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। दिस इज़ फ्रॉम इंडस एंड इसकी प्राइस आपकी स्क्रीन पे है। नो, दिस इज़ फ्रॉम साड़ी मॉल। नेक्स्ट है ये ब्लैक कलर की सीक्वेंस साड़ी, क्लासिक ब्लैक कलर की साड़ी है, पार्टीज़ में बहुत अच्छी लगती है सीक्वेंस साड़ी। एंड ऑफकोर्स ब्लैक कलर तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है।
ये भी जो बेस है जॉर्जेट का है, दिस इज़ फ्रॉम मितेरा। मितेरा की साड़ीज़ मुझे ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है, मेरे पास 2 या 3 मितेरा की साड़ीज़ हैं और मुझे सब अच्छी लगी हैं। इसमें आपको ये ब्लैक कलर के जॉर्जेट पे कुछ इस तरह का ब्लैक से ही और सीक्वेंस का काम मिल जाता है, ये प्योर ब्लैक साड़ी मिलती है। एंड्स पे आपको ये ब्लैक कलर की पाइपिंग मिलती है जो कि दिखता भी नहीं है, तो जब आप पहनेंगे तो सिर्फ सीक्वेंस दिखेगा एंड ब्लैक कलर दिखेगा। थोड़ा सा सी थ्रू फैब्रिक है, सबका सी थ्रू फैब्रिक है क्योंकि जॉर्जेट शिफॉन सो थोड़ा सा सी थ्रू होता है। जो रानी पिंक वाला था वो उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था। ये पूरी साड़ी में सेम पैटर्न आ जाता है। एंड इसकी ब्लाउज़ के लिए इन्होंने ये प्लेन फैब्रिक दिया है, आप पता नहीं ये ब्लाउज़ के लिए है या अंदर टक इन करने के लिए है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में देख के मेंशन कर दूंगी। तो अगर ये ब्लाउज़ का है तो ये बिल्कुल प्लेन है। आई एम श्योर आपके पास ब्लैक, गोल्डन, रेड, वाइट, बहुत तरह के ब्लाउजेज होंगे जो इस पर आप कैरी कर सकते हैं। कंट्रास्ट में भी अच्छा लगता है और ब्लैक ब्लाउज तो इस पर अच्छा लगेगा ही। क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है एंड इसका भी प्राइस आपके स्क्रीन पे है। लास्ट साड़ी है मेरे पास, ये बहुत ही सुंदर से पिंक कलर की, बेबी पिंक से थोड़ा सा एक शेड डार्क है, ये पीचिश पिंक कलर है। दिस इज़ फ्रॉम इंडस। ऊपर से आपको बहुत सिंपल दिख रही है लेकिन इसका आंचल बहुत प्यारा है। ये भी जॉर्जेट की साड़ी है। ये इसका ब्लाउज का फैब्रिक है, नेट का फैब्रिक है जिसपे आपको इस तरह की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। ये रेड एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में है, यहाँ स्टोन्स लगे हुए हैं। ये इतना दिख रहा है क्योंकि ये मोड़ के स्टिच करा हुआ है, तो फैब्रिक कम नहीं है, पूरा है और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। पूरी साड़ी इस तरह से प्लेन आ जाती है एंड एंड्स पे आपको ये गोटा मिलता है जो कि नीचे पॉल में आएगा और जब आप आंचल की तरफ जाएंगे तो आंचल पे भी आएगा। ये भी बहुत सॉफ्ट है, ये वाला जो फैब्रिक है ये मितेरा वाले से बेटर है एंड दिस ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है एंड इनके प्रोडक्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। फिर आंचल पे आप जाते हैं तो कुछ इस तरह का यही सेम बॉर्डर आ जाता है जिसमें ये पूरा जरी एंड थ्रेड का काम है। एंड एंड्स पे वो वाला जो ब्लाउज में आपको फैब्रिक दिया गया था वो थोड़ा सा इसमें अटैच किया गया है आंचल में, तो ये भी पहनने पर बहुत सुंदर लगेगा। डे फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा है, कहीं आना जाना है बहुत अच्छा है एंड सुपर सॉफ्ट है। वैसे तो ये जॉर्जेट है लेकिन फील उसमें शिफॉन वाली आ रही है, तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट दिस रियली रियली सॉफ्ट एंड क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है। अगर आपको इस तरह की लाइट वेट साड़ीज पसंद है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं एंड इसका भी प्राइस आपके स्क्रीन पे है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की साड़ीज अच्छी लगी होंगी। मुझे सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, कोई एक चूज़ करना हो तो वाइट वाली मेरी फेवरेट है। वैसे तो क्वालिटी सभी की अच्छी है, इन सबके लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जो भी चाहिए आप उस पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। मेरे न्यू शॉर्ट्स चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के शॉर्ट्स मिल जाते हैं। एंड हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस तरह की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।